हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ सर्कुलर मोशन। तो हम लोग डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में मैंने सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में आप लोग को डिटेल से बताया था। बहुत छोटा टॉपिक था लेकिन फिर भी आधे घंटे का लेक्चर बन गया होगा, देख लेना। तो आज हम लोग ना न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने वाले, ठीक है। आने वाले बहुत से लेक्चर्स तक हम लोग न्यूमेरिकल्स देखते रहेंगे, ठीक है, और वहीं से हम लोग बहुत चीजें सीखेंगे, ठीक है, कि कैसे सॉल्व करना है। तो आज का तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोग कोई न्यूमेरिकल किए ही नहीं थे, ठीक है। तो एक तो बनता है, एक दो चार। तो आज हम लोग बेसिक न्यूमेरिकल्स करेंगे। यूं समझ लो तो बोर्ड के स्टैंडर्ड का, है ना, 11th बोर्ड, 11th का जो सीबीएसई है ना क्लास होता है, उस स्टैंडर्ड का हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। बहुत हद हुआ तो नीट के इजी क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं, ठीक है। नीट के इजी क्वेश्चंस है ना, ऐसे इस कंसेप्ट से बन जाएंगे ना। मेंस एडवांस का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर तक में पहुंचते जाएंगे, ठीक है। तो है ना, आज ध्यान से देखिएगा। दो क्वेश्चन है यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, है ना, कि यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको कैसे सॉल्व करना है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड टेंशन फोर्स। टेंशन मतलब ये जो स्ट्रिंग है यहाँ पर ग्रीन कलर से मैं बनाया, बहुत लाइट होगा, दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। ग्रीन कलर से जो बना हुआ है वो स्ट्रिंग है, ठीक है। उसमें कितना टेंशन लग रहा है वो हम लोग को यहाँ पर निकालना है। तो लेट से मैं इसको नाम T1 दे दिया, इसमें T2 है ना टेंशन दे दिया, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम, है ना, क्योंकि ये डायनेमिक्स का पोर्शन है तो यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम ही बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग इस पे फ्री बॉडी बनाते हैं, फिर इस पे बनाते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम 2 kg वाले पे बनाते हैं, देखते हैं इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा है। इसको लेट से मैं M1 नाम दे रहा हूं, इसको M2 नाम दे रहा हूं, ठीक है। मास है ना M1 M2, तो ये 2 kg है। इस पे कौन कौन फोर्स लग रहा है, एक तो टेंशन फोर्स जो इधर लग रहा है, ठीक है। और ये देखो सिस्टम कैसे मूव करेगी, ये तार से हुए धागा से है, ठीक है, और यहाँ पे अटैच्ड है, और है ना इसको ऐसे से घुमाया जा रहा है ना, इस लाइन के अबाउट ये ऐसे से चक्कर मार रही है 2 rads/s से, ठीक है। और सब कुछ ऐसे यूनिट में, इसलिए यहाँ पे यूनिट का कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अगर ये रिवॉल्यूशन पर मिनट में रहता है ना, मान लो 200 rads/min रहता है, तो उसको कैसे rads/s में चेंज करना है, ये मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, है ना। ω = 2πn/60, है ना, एन यहाँ पे रिवॉल्यूशन पर मिनट हो जाता है, ठीक है, और रिवॉल्यूशन पर सेकंड है तो 2πn से, ठीक है। तो ये हो गया, है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बनाते हैं, है ना, वही अपने आदत बना लो, ठीक है, इजी भी लगेगा। तो इस पे जाके बैठ जा रहा है, तो इस पे एक है ना अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, सेंटर इसका यहाँ है तो सेंट्रीपिटल इधर है, इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, उस तरफ हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उधर लगेगी। यानी जब भी कोई चक्कर में घूम रही है ना, तो mv² पे आप किधर लगा दो, बाहर की तरफ लगा दो और फोर्स को बैलेंस कर दो, ठीक है। क्यों फोर्स बैलेंस, क्योंकि वहां नेट फोर्स 0 हो गया एक तरह से कह सकते हो, क्योंकि जब आप मूविंग बॉडी में बैठ गए हो तो आपको लगेगा कि नेट फोर्स कोई नहीं है यहाँ पे, आप रुके हुए हो, ठीक है। तो इधर पीछे की तरफ क्या लग जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा m2 ω² r2, ठीक है। m ω² r होता है, या mv² है, यहाँ v नहीं दिया, ओमेगा दिया, तो ओमेगा के टर्म में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, m ω² r, ठीक है। अब बस यहाँ पर क्या करना है बाबू, दोनों को इक्वेट करना है, तो टेंशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, m2 ω² r2 के बराबर हो जाएगा। अब m2 का वैल्यू कितना है, 2 kg है, ω² का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, और r2 का वैल्यू क्या है, r2 क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, है ना, यहाँ पे सेंटर है इसका, तो ये डिस्टेंस पूरा r2 होगा, ठीक है, ये डिस्टेंस पूरा r2 होगा, कितना हो जाएगा 1 + 1 2 मीटर। अब इसको निगलेक्ट कर सकते हो ना, पॉइंट मास हम लोग पढ़ रहे हैं, तो 1 + 1 मीटर यानी 2 मीटर, सही है। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, 2 × 4 × 8 × 16, है ना, तो 16 N आ गया। सब कुछ ऐसे यूनिट में था इसलिए न्यूटन में आएगा यहां से, तो T1 का वैल्यू 16 N आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पे, दिख रहा है ना, ठीक है, 16 N। अब हम लोग 1 kg पे फ्री बॉडी डायग्राम देख लेते हैं, देखते हैं 1 kg पे कौन कौन फोर्स एक्ट कर रहा है। अभी देख लो बाबू यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ से हटूंगा तो यहाँ रोशनी की वजह से ये सेल नहीं दिखेगा, ठीक है, तो सोच लो क्या लिखा हुआ है, 1 kg है। अब इस पे देखते हैं क्या क्या फोर्स लग रहे हैं, एक तो बाबू T2 फोर्स लग रहा है जो मैं दिखाया मैंने यहाँ पर, ठीक है, एक ये भी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है एक तरह से, तो यहाँ पे भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, m1 ω² r1, ठीक है, m ω² r, इसका m1 होगा, ω² और r1 कितना हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा,
और मैं कुछ छोड़ रहा हूँ क्या? देखो तो कोई फोर्स है जो छूट रहा है यहाँ पे, हाँ कुछ लोग पकड़ लिए होंगे, एक टेंशन फोर्स इसका भी लग रहा हूं मैं, इससे भी तो ये धागा अटैच है, ठीक है, इनफैक्ट ये पूरी टाइप का हो गया ना, समझ में आ रहा है कि, और एक्सप्लेन करो यहाँ पे है ना, इधर इस पे टेंशन कितना लगेगा, इसके बाहर की तरफ है ना, टेंशन हमेशा बॉडी के बाहर की तरफ है ना लगता है, तो यहाँ पे टी वन आ गया, ये चीज समझ में आया, यहाँ टी वन कैसे आ गया है ना, देख लो ये ऐसा क्वेश्चन तो किए ही होगे तुम लोग, पुली में किए होगे नोटिस लॉ क्वेश्चन में, यहाँ पे टी वन मानते थे है ना, टी ही मानते थे मान लो, तो यहाँ पे भी बोलते थे टी, लेकिन जब पुली के लिए देखोगे तो पुली पे भी टेंशन इस तरफ लगता था, ठीक है, ऐसे करके होता था, तो एक ही स्ट्रिंग में और पुली टेंशन में टेंशन क्यों हुआ, क्योंकि हम उस बॉडी के रिस्पेक्ट में फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, तो बॉडी के रिस्पेक्ट में बनाएंगे तो उसके अवे लगता है टेंशन हमेशा, इस चीज को दिमाग में रखना, तो ये समझ में आ गया। अब चूंकि हम लोग नॉन इंडस्ट्रियल फ्रेम से बना रहे हैं, इसलिए देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगा है, नॉट टुवर्ड्स द सेंटर है ना, सूडो फोर्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो ये फोर्स बैलेंस है, तो टी टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दिस है ना, ये देखो इधर है, ये दोनों इधर है, तो दोनों क्या होगा, इक्वेट कर सकते हो यहाँ पे, सो वी कैन राइट हियर दैट टी टू इज इक्वल टू टी वन प्लस एम वन ओमेगा स्क्वायर आर वन, ठीक है, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी वन, इट इज 60 न्यूटन प्लस एम वन इज 1 केजी, ओमेगा स्क्वायर इज 4 है ना, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, एंड आर वन इज व्हाट 1 मीटर, तो हियर इट विल कम 4 एंड 16 प्लस 4 इज 20, सो 20 न्यूटन विल बी आंसर, टी टू इज 20 न्यूटन एंड टी वन इज 60 न्यूटन, ठीक है, आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोग को कि कैसे करना है, सेम देखो वैसे ही क्वेश्चन है, बस एक 3 के जी का और लगा दिया है यहाँ पर, तो मैं कहूंगा कि वो क्वेश्चन आप लोग है ना वीडियो पॉज करके ट्राई करो, ये तो मैं समझा ही दूंगा, मैं बनाऊंगा ये भी यहाँ पर, ठीक है, करो जल्दी से वीडियो पॉज करो और बनाओ, ठीक है, इसको पकड़ ट्राई कर लो एक बार, हाँ बन गया होगा बहुत लोगों से, अब देख लो मिला लो कि कैसे क्या करना है, तो यहाँ पे भी देखो मैं टी वन टी टू नाम दे दिया हूँ, इसमें टी वन लग रहा है, इस वाले स्ट्रिंग में मान लो टी टू टेंशन दे दिया हूँ, और इस वाले स्ट्रिंग में टी थ्री टेंशन, ठीक है, हम लोगों सबसे पहले क्या करना है फ्री बॉडी रहेगा, अब देख लो कि बाहर से करना ज्यादा सही रहेगा है ना, क्योंकि यहाँ पे बस टी वन एक ही वेरिएबल रहेगा, बाकी सबका वैल्यू पता रहेगा, ठीक है, तो इस साइड से हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाना शुरू कर रहे हैं, ये 3 के जी है, ठीक है, इसको भी नामकरण दे दिया, देखिए ये एम वन मान लेते हैं, ये एम टू मान लेते हैं, ये एम थ्री मान लेते हैं, उसी तरह से ये आर वन, ये पूरा आर टू और ये पूरा आर थ्री हो जाएगा, ठीक है, इधर टेंशन टी वन लग रहा है, और कोई फोर्स क्या है, इस साइड फोर्स है, ठीक है, बाहर की तरफ कौन सा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसका वैल्यू हो जाएगा एम थ्री ओमेगा स्क्वायर आर थ्री, ठीक है, अच्छा कुछ लोग सोच रहे हो सर एम जी नहीं लगा रहे, एम जी हम लोग का फेवरेट हुआ करता था है ना, एम जी, ठीक है, तो देखो बाबू एम जी इधर लगेगा है ना, एम जी इधर लगेगा, अब दोनों फोर्स आपस में क्या है परपेंडिकुलर है, तो फोर्स जब परपेंडिकुलर फोर्स होता है तो वही उसे पे इफेक्ट नहीं डालते हैं है ना, इस चीज को दिमाग में रखना, तो एम जी का टेंशन पे कोई इफेक्ट नहीं रहेगा क्योंकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, दो लेक्चर के बाद कुछ एंगल्स पे है ना, या आज ही शायद आज ही अगले लेक्चर में एंगल पे भी आ जाएंगे जब एम जी, तो एम जी को भी कंसिडर किया जाएगा, ठीक है, खैर अभी यहाँ पे देखो दोनों को इक्वेट कर देंगे है ना, नॉन इनर्शियल फ्रेम से ही बना रहे, देख लो बाहर की तरफ लगा दो, ज्यादा सोचना ही नहीं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन दिस दैट करना है ना, दैट फोर्स को इक्वेट करो, नेट फोर्स जीरो, इक्विलिब्रियम टाइप का सोच लो इसको, तो टी वन इज इक्वल टू एम थ्री ओमेगा स्क्वायर आर थ्री, एम थ्री का वैल्यू 3 है, ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, एंड आर थ्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये पूरा आर थ्री होगा सेंटर से, तो 1, 2, 3 मीटर, ये कितना आ गया लोग देखो, 3 × 9, 9 × 4, 36 न्यूटन आ गया टी वन का वैल्यू, बहुत अच्छी बात है, टी वन का वैल्यू 36 न्यूटन आ गया, नेक्स्ट फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं किसके लिए, 2 केजी के लिए, ये 2 केजी है, इस पर टेंशन देखो टी टू इधर लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, एक एम टू ओमेगा स्क्वायर आर टू लगेगा बाहर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगना ही है यहाँ पर, साथ में एक और कौन सा फोर्स होगा, इसकी वजह से टेंशन फोर्स यहाँ पे भी होगा, ये भी तो धागा से कनेक्टेड है ना, इसके लिए किधर होगा, इसके ऑपोजिट है ना, बाहर की तरफ है ना, हमेशा अवे होता है बॉडी से, ठीक है, तो बॉडी से अवे, देखो यहाँ पे भी बॉडी से अवे, यहाँ पे भी बॉडी से अवे, टेंशन हमेशा बॉडी से अवे होगा ना, ठीक टाइप का याद कर लो, तो ये समझ में आ रहा है, बस यहाँ पे भी क्या करना है, फोर्स को इक्वेट कर देना है,
ठीक है। अब टी वन का वैल्यू कितना है, 36 है। अब तो बस सॉल्व करना है यार, एम टू कितना है, 2 kg है, ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, आर टू का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो देख लो कितना हो गया, 4 × 8 × 2 = 16, 36 + 16 कितना हो गया, 6 × 6 = 12, 3 × 4 = 52, सही है ना। देख लो भाई, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो देख लेगा, ठीक है, 52 न्यूटन सही होगा, 6 × 6 = 12, 1 × 3 = 4, 1 × 5 = 52 न्यूटन सही है। मैं मजाक कर रहा हूँ, इतना कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा क्या मुझसे, ये समझ में आ रहा है। अब देखो कौन सा बच गया, ये 1 kg, तो बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम इस पे भी, 1 kg, ठीक है, T1 इस तरफ लगेगा, M1 ओमेगा स्क्वायर R1 लगेगा बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और एक T2 इसकी वजह से है ना, टेंशन T2, ठीक है। अब ये सब पूरा कंसीडर मत कर लेना है ना, उसका सारा इफेक्ट T2 पे आ चुका है पहले से, तो बस T2 लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी फोर्स को बैलेंस करोगे, नेट फोर्स 0 है यहाँ पे, तो T1 = T2 + M1 ω² R1, T2 का वैल्यू 52 है, M1 का वैल्यू 1 है, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 4 हो जाएगा, और R1 का वैल्यू भी 1 है, ये तो इजी बन जाएगा, 52 + 4 = 56 न्यूटन, तो T1 का वैल्यू बाबू 56 न्यूटन आ गए, ठीक है, तो बस हो गया। कितना इजी है ना सर्कुलर मोशन, कितना इजी लग रहा है, तो ये इजी क्वेश्चंस थे, इससे आपका कंसेप्ट बिल्डअप हुआ कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगाना है ना, इसको आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग एक दो क्वेश्चन और करते हैं। हाँ तो हम लोग कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, टेंशन पे क्वेश्चन हो गया कुछ, अब नॉर्मल रिएक्शन पे क्वेश्चन कर लेते हैं। कभी कभी नॉर्मल रिएक्शन में तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करता था, ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन है, बेसिकली ये जमीन है, फ्लोर है, ठीक है, यहाँ पर यूं कह सकते हो एक गड्ढा कर दिया गया, ठीक है, बहुत हालत खराब हुआ है, ये डायग्राम बनाने बुक में तो आसानी से बन जाता है, तो ये गड्ढा किया हुआ है, यहाँ पे मास एम को उसके दीवार में ऐसे घुमाया जा रहा है ना, समझ आ रहा है ये चीज, जैसे कि मान लो ये है, ठीक है, फ्लोर है ना, यहाँ पे ऐसे काट दिया गया, तो कुछ थिकनेस है फ्लोर का, तो थिकनेस बहुत बनाया जा सकता है, तो थिकनेस है अच्छा खासा, ठीक है, तो यहाँ एक दीवार जैसी बन जाएगी, छेद भी करोगे गोल गोल तो, ठीक है, फिर है ना एक बॉल को वहां पे वेलोसिटी भी दे दिया गया, ताकि वो है ना उसका जो छेद का जो दीवार है उसी में वो घूम रहा है ऐसे ऐसे करके, ठीक है, तो ऐसे करके घूम रहा है ये, है ना, इतना वेलोसिटी दिया गया है कि उसी में घूमेगा। अब यहाँ पे निकालना क्या है कि नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू फ्लोर ऑन बॉल, ठीक है, फ्लोर यानी जमीन कितना है, अब देखो गड्ढा किया गया तो नीचे तो और जमीन है, ऐसा नहीं कि पूरा धरती के खाई तक पहुंच गया, ठीक है, तो नीचे जमीन है, तो वो जमीन कितना नॉर्मल रिएक्शन इस बॉल पे दे रही है, और दूसरा अब देखो ये जो छेद जो किया गया है ना, जो कैविटी निकाला गया है, उसका दीवार जो है बेसिकली उसमें भी तो ये कंटेक्ट में है, ठीक है, दीवार से भी कंटेक्ट में है, तो वो दीवार इस पे कितना नॉर्मल रिएक्शन दे रही है, दोनों का वैल्यू निकालना है, ठीक है, दोनों अलग अलग नॉर्मल रिएक्शन है यहाँ पर, तो चलिए मैं बता देता हूँ ये क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्या बनाना होगा, फ्री बॉडी डायग्राम FBD, तो देखो एक चीज यहाँ पे मैं बताता हूँ, देखी जाएगा यहाँ एक बॉल है, मास है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो, है ना, इसी पॉइंट पे मैं इसी इंस्टेंट पे मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे सेंटर है मान लो, ठीक है, वी वेलोसिटी से ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, और वी यहाँ पे टेंजेंशियल है और कांस्टेंट है ना, वी कांस्टेंट है यहाँ पे, अभी हम लोग सब कुछ कांस्टेंट के लिए ही पढ़ रहे हैं, तो देखो नॉर्मल रिएक्शन किधर देगा, वो नीचे से देगा, है ना, ये बोर्ड की वजह से लग रहा होगा कि ये ऐसे करके गिर जाएगा, नहीं, ठीक है, ये ऐसे करके हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, इसलिए मैं इसको देखो 3D में बनाने का थोड़ा कोशिश किया हूं, ठीक है, 3D में बन जाए किसी तरह, तो वो हॉरिजॉन्टल ही है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है, तो जमीन ऊपर की तरफ रिएक्शन देगी, तो ये नॉर्मल ड्यू टू किसके है, फ्लोर, नॉर्मल ड्यू टू फ्लोर, कोई दिक्कत, और नीचे की तरफ इसका क्या लगेगा, है ना, नीचे की तरफ हमेशा एमजी लगता है, अब आ गया एमजी, देखो एमजी नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, अब देखो वॉल किधर लगाएगी नॉर्मल रिएक्शन, इसके परपेंडिकुलर इस साइड लगाएगी, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ऐसे घूम रहा है तो सेंटर की तरफ लगाएगी, तो नॉर्मल इधर ड्यू टू वॉल हो गया, है ना, और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बच गया, ठीक है, हम लोग हमेशा नॉन इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व कर रहे हैं सारे क्वेश्चन को,
तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर के बाहर की तरफ, सेंटर देखो इस साइड है तो इसके जस्ट बाहर की तरफ क्या हो जाएगा वो एम वी स्क्वायर बाय कैपिटल आर। अब तो यहाँ सब कुछ साफ दिख ही रहा है यहाँ पर, ठीक है। फोर्स को बैलेंस करना है इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों है ना अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होने चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए, क्योंकि हम इसी पे बैठ चुके हैं। तो नॉर्मल ड्यू टू फ्लोर किसके बराबर हो जाएगा, एम जी के बराबर हो जाएगा, और नॉर्मल ड्यू टू वॉल ऑन वॉल किसके बराबर हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय कैपिटल आर के बराबर। सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। अब वो क्वेश्चन देखते हैं वहां है ना, थोड़ा सा अच्छा ये क्वेश्चन आते हैं नीट में ऐसे करके, है ना। इसमें हम लोग है ना बहुत टाइम पर चर्चा भी करने वाले कि कितना स्पीड से जाना चाहिए कि सेफ रहे ये सब, ठीक है, ये सब हम लोग चर्चा करने वाले। अब देखो इसमें दिया हुआ क्या है, इसमें दिया हुआ एक चीज है कि ये जो कर्व है, ठीक है, देख लो पुल है ना थोड़ा सा कर्व टाइप का बनाया हुआ, कर्वेचर टाइप का है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर एक टॉपिक भी पढ़े थे, ठीक है। तो ऐसे कर्वेचर बनाया हुआ है तो इसका सेंटर देखो इधर लाई करेगा और इसका सेंटर किधर लाई लाई करेगा, ऊपर की तरफ लाई करेगा, है ना, ये ऐसे करके और ये ऐसे करके, ठीक है। दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, या रेडियस मैं इसे बोल दे रहा हूं, रेडियस दोनों का कैपिटल आर है, ठीक है। और दोनों वी स्पीड से मूव कर रहा है, वी क्या है यहां पर कॉन्स्टेंट स्पीड है ना, इसमें कोई शर्त नहीं है, वी कॉन्स्टेंट स्पीड है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, यहां पर भी नॉर्मल रिएक्शन पूछा है दोनों जगह पे, तो दोनों का क्या बना देना चाहिए बाबू, एबिलिटी, ठीक है। इस कार को देख लो यहां पर, ये कार अपना ऐसे है, ठीक है, और ये कार अपना कार में बना ही देता हूं अच्छे से, ये कार अपना ऐसे करते हैं, ठीक है, दो कार हो गया। अब देखो इसमें नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, जमीन नॉर्मल रिएक्शन लगाता है ऊपर की तरफ लगाएगा, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन उधर ही लगेगा, इसका मास दोनों का एम एन है, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन लेट से इसको मैं एन वन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसमें एन वन लगेगा, इसका एम जी किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। अब एक कौन सा फोर्स बच गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बच गया है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा, सेंटर के डायरेक्शन के अपोजिट लगता है। तो देखो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो ऐसे करके, तो सेंटर पक्का इस साइड आ रहा होगा, तो सेंटर के है ना अपोजिट यानी ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। तो एम वी स्क्वायर बाय आर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो ऊपर की तरफ लगेगा। अब दोनों को क्या करना है, फोर्स को बैलेंस करना है, तो देखो इधर फोर्स बैलेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस फोर्स विल बी इक्वल टू दिस फोर्स, है ना, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन हम लोग देख रहे हैं, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो देखो एन वन प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू एम जी, एन वन का वैल्यू कितना आ गया, एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाय कैपिटल आर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ये समझ में आ रहा है। अब उसका तो अपने से कर भी सकते हो, है ना, चलो देख लेते हैं। इसमें नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, वो तो ऊपर ही लगेगा, एम जी नीचे ही लगेगा, एम वी स्क्वायर बाय आर किधर लगेगा, देखो इसका सेंटर बाबू इस साइड होगा, है ना, ऐसे करके सर्कल है तो सेंटर पे ऊपर होगा, तो एम वी स्क्वायर बाय आर जो सुडो फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो बाहर की तरफ लगेगा, है ना, उसके सेंटर यानी नीचे की तरफ लगेगा एम वी स्क्वायर बाय आर। तो यहां से तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं एन टू इज इक्वल टू, जब फोर्स को बैलेंस करेंगे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम से हम लोग देख रहे हैं इसको, एन टू इज इक्वल टू एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाय कैपिटल आर, ठीक है। तो यहां पे एक चीज तुम लोग देख सकते हो, साफ दिख रहा होगा, ये देखो एम जी से कम आ गया नॉर्मल रिएक्शन यहां पर, है ना, एम जी से कम आ गया, ठीक है, और यहां पे एम जी से ज्यादा आ गया, है ना, यानी चल रहे हो जमीन पे, है ना, लेकिन कर्वेचर ऐसा बना दिया गया कि तुम्हारा जो वेट है उससे है ना चेंज भी हो सकता है नॉर्मल रिएक्शन, कभी ज्यादा भी हो सकता है कभी कम भी हो सकता है, अगर ये स्ट्रेट पाथ में मूव करता तो नॉर्मल रिएक्शन एम जी के बराबर होता, ठीक है। तो देख सकते हो यहां पे ज्यादा खतरा है ना, नॉर्मल रिएक्शन जब जीरो हो जाएगा तो समझ लो सड़क से ही गाड़ी उठ जाएगी, नॉर्मल रिएक्शन जीरो का मतलब कोई कंटेक्ट नहीं है, है ना, फ्लोर और जमीन और उस कार के बीच, तो गाड़ी ऊपर उठ जाएगी। तो यही सब हम लोग है ना कुछ लेक्चर्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे लास्ट लास्ट में कि कितनी वेलोसिटी से जाए, है ना, कि कोई खतरा ना हो, है ना, यानी गाड़ी सड़क से बाहर ना निकले, ठीक है, ये सब एडवांस वाले सबको पढ़ना होता है, ठीक है, नहीं मेंस लेवल का ये सब चीज, तो वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी तो मैं बस बेसिक बता रहा हूँ, है ना, ताकि आप लोग को है ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्लियर हो जाए। तो यहीं पे खतरा है, इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे, इसमें तो जितना वेलोसिटी दोगे खतरा और कम ही होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन बढ़ता ही बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें ये सब हम लोग जो भी सॉल्व किए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना का यूज किए, यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से यूज किए,
एक चीज बताओ, क्या इनर्शियल फ्रेम से बनाते तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाता? क्या इनर्शियल फ्रेम से बनाते तो क्या ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाता? तो चलो देख लेते हैं, इनर्शियल फ्रेम से भी बना के देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं साइड में यहां पे बना रहा हूं, जस्ट साइड में। ठीक है, ध्यान से देखना तुम लोग। इनर्शियल फ्रेम में देखोगे तो क्या क्या होगा यहां पे, इस क्वेश्चन को मैं यहां पे बना रहा हूं, ध्यान से समझना। ऐसे करके गाड़ी, ठीक है, इनर्शियल फ्रेम से वो बना रहे, एमजी नीचे की तरफ लगेगा, N1 ऊपर की तरफ लगेगा, और सेंटर किधर है? सेंटर कहीं नीचे है। ठीक है, सेंटर कहीं नीचे है। अब देखो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कहता है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो यही कहता है। अब यहां देखो वेलोसिटी तो बाबू कांस्टेंट है, ठीक है, तो कोई भी एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। लेकिन हाँ, ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इसलिए एक एक्सीलरेशन आ जाएगा जो कि किधर होगा, रेडियल डायरेक्शन में होगा, है ना, रेडियल यानी टुवर्ड्स द सेंटर। तो नेट एक्सीलरेशन इसका किधर है, नीचे की तरफ, क्योंकि सेंटर इसका नीचे की तरफ है, इसको एआर में लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो यहां मास इनटू क्या हो जाएगा, रेडियल एक्सीलरेशन हो जाएगा, क्योंकि नेट एक्सीलरेशन यहां पर रेडियल एक्सीलरेशन के बराबर है इत्तेफाक से। अब नेट फोर्स क्या हो जाएगा, है ना, एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स का पॉजिटिव भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में लेना होगा, यानी mg पॉजिटिव है और n1 क्या है यहाँ पर, निगेटिव सेंस में है। तो नेट फोर्स हम लोग क्या लिखेंगे, mg माइनस n1 लिखेंगे, इज इक्वल टू मास इनटू रेडियल एक्सीलरेशन, और रेडियल एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना है बाबू, v² / r। ठीक है, तो देखो यहाँ से n1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, है ना, n1 को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो देखो n1 का वैल्यू mg माइनस mv² / r ही आ रहा है यहाँ पर भी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कंसेप्ट से हम लोग बनाए। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और ये सब हम लोग नॉन इनर्शियल से बना लें। तो देखो इनर्शियल में थोड़ा सोचना पड़ता है, नेट एक्सीलरेशन किधर है, नहीं है, यहाँ पे हम लोग तुरंत देखते हैं और एबीटी में ही वो चीज बना लेते हैं फोर्स, और डायरेक्ट उसको इक्वेट कर देते हैं, इसलिए यहाँ पे ज्यादा टेंशन नहीं होता है। टेंशन मतलब दिमाग का टेंशन, ठीक है, स्ट्रिंग का टेंशन। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा बेसिक। ठीक है, और भी कुछ अब जैसे है ना, एमजी जब पेंडुलम में होगा टेंशन तो वो कैसे निकालेंगे, तो वो सब है ना, मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में उसको करते हैं। आज 4 क्वेश्चन हो गए, है ना, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लेना, रिवाइज कर लेना। ठीक है, अब आप लोग का कंसेप्ट बिल्डअप होना शुरू हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन आएंगे, स्टार्टिंग में थोड़ा बेसिक करेंगे, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन है ना अच्छा देंगे, उसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, मतलब इस लेक्चर के बाद का, ठीक है, उसमें हम लोग फ्रिक्शन वाला कंसेप्ट करेंगे, वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप लोग इंतजार कीजिए, वहां तक पहुंचिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।